रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम बात करेंगे, व्यक्ति सुबह से शाम तक परेशान थका हारा होकर के जब घर आता है तो यही चाहता है कि चैन की उसको नींद मिले। भोजन करने के बाद जब वो लेटता है तो चैन की नींद उसको मिले, यही उसके दिल की इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। परंतु आज के इस भागते हुए वातावरण में, इस जिंदगी में व्यक्ति को नींद की गोली लेकर के भी नींद नहीं आती है। और क्योंकि परेशानियां इतना सताती रहती हैं कि वो सो नहीं पाते, नींद की गोली लेते हैं तब जाकर के कहीं उनको नींद आती है, और एक बार नींद खुल गई तो दोबारा वो आती भी नहीं। जी हाँ मित्रों, तो क्या करें? ऐसी कौन सी वस्तु है जिस वस्तु के माध्यम से उनको समस्याओं का अंत हो, नींद भी अच्छी आए और उनके जीवन में मंगलमय वातावरण का प्रवेश हो? जी हाँ मित्रों, करना आपको एक काम है, आपको रखना है अपनी तकिए के नीचे मोर का पंख और आराम से सो जाइए। तकिए के नीचे रखिए मोर पंख और गहरी नींद में सोइएगा। क्यों? क्योंकि मोर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और परीक्षा या इंटरव्यू को सोचते सोचते उनको नींद नहीं आती। पहले क्या होता था कि व्यक्ति या जो विद्यार्थी वर्ग होते थे, यह बुक को लेते थे ऐसे और लेटे लेटे पढ़ते रहते थे, बाद में उसी बुक को अपनी छाती के ऊपर रख करके और सो जाया करते थे। परंतु आज वह समय बड़ी दूर चला गया है। विद्यार्थी वर्ग सोचा करता है कि किस तरह से मेरे अच्छे नंबर आए, किस तरह से मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, यही मन में विचार उसके सताया करता है। तो मित्रों, सोते सोते आपको भी यही करना है कि अपनी बेड के नीचे जो गद्दा है, उस गद्दे के नीचे आपको मोर का पंख रखना है और किताब को लेकर के वहीं पर पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते आपको सो जाना है। प्रातःकाल उठेंगे तो जितना आपने पढ़ा था उतना आपको याद रहेगा। इसके बाद मित्रों, एक बात और हम आपको बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े व्यक्तियों को भी डर लगने लगता है, जिस डर के माध्यम से वह बड़े व्यक्ति भी बिस्तरों पर, बाथरूम इत्यादि कर दिया करते हैं। ऐसा देखने के लिए आता है, बहुत जगह देखा जाता है, परंतु डॉक्टरों का अपना मत होता है और हमारे इस शास्त्र का अपना मत होता है। मित्रों, आप भी अपने बिस्तर के नीचे मोर के पंख को रखिए और आपके बुरे स्वप्न जो आते हैं यह दूर हो जाएंगे। या आप यदि बुरे स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते देखते अचानक रात्रि में डर जाते हैं, पॉकेट में रखने वाली हनुमान चालीसा को लेकर के आइए, अपनी तकिया के नीचे उस हनुमान चालीसा को रख दीजिएगा, सो जाइएगा, आपको डर दूर हो जाएंगे, डर आएंगे ही नहीं आपके पास, और आपको बड़ी अच्छी नींद भी आएगी। और इसके साथ साथ आप मोर पंख भी रखिए, आपको लाभ होगा। मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं मित्रों, चिंताएं बनी रहती हैं, और इन चिंताओं के कारण व्यक्ति को अनेक प्रकार के रोग भी ग्रसित कर लेते हैं। जब व्यक्ति के अंदर चिंताओं का स्थान हो जाता है तो चिंताएं ही व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के बड़े जघन्य रोगों को उत्पन्न कर देती है, जिससे व्यक्ति परेशान हो जाता है। परेशान मत होइए, यदि आपको इस तरह की कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी चिंताएं हैं, बहुत ही साधारण सा उपाय आप करिए, और यह उपाय आप करेंगे तो निस्संदेह आपको लाभ होगा। करना क्या है कि रात को सोने से पहले आप दो मूली लेकर के आइए, मूली जो खाने वाली मूली होती है, यही आपको मूली लानी है, और इस मूली को काटना नहीं है,
साबुत मूली आप जहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, जहाँ पर आप लेटे हुए हैं, उस सिरहाने रख लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। सिरहाने रखने के बाद में सुबह उठिए, स्नान करिए, स्नान करने के बाद में उन दोनों मूलियों को आप उठाइए जहाँ पर शिव मंदिर है, शिव मंदिर में जाकर के शंकर जी के पास में उन दोनों मूलियों को रख दीजिए। आपकी चिंता समस्या समाधान के रूप में परिणित हो जाएगी, बदल जाएगी और आपके जीवन में आ रही जो कठिनाइयां हैं ये कठिनाइयां भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएंगी। ऐसा करने से मित्रों, जब ये मूली का प्रयोग आप करेंगे तो ऐसा करने से राहु का दोष भी दूर होता है और ये समस्याएं भी राहु जनित ग्रह से ही आती भी हैं, तो ऐसा आपको करना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि कोई स्त्री या कोई पुरुष पति के ऊपर शक करता है या कोई पत्नी अपने पति के ऊपर शक करती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, तो शक करने की कोई दवा नहीं होती, इसका कोई इलाज नहीं होता। शक करने से घर बर्बाद होते हैं, घर संभरते नहीं हैं, तो शक का कोई इलाज नहीं होता है। शक यदि किसी को है तो यही काम करना है, क्योंकि शक जिस व्यक्ति के जीवन में घर कर जाता है उस घर को घर नहीं बल्कि नरक बना देता है। करना यही उपाय है, मूलियों को रखना है और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के समर्पित कर देना है। इतना जब आप करेंगे तो आपके अंदर लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। फिर हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।